नहीं आ रही है, तो इन शॉर्ट आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है, आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर प्लीज चेक कर लीजिए। बाकी मेरी तरफ से आपकी आवाज मुझे आ रही है और मुझे भी मेरी आवाज भी आप सभी को जा रही होगी। अब देखिए, जो हमारा जो शरीर है इसके अंदर सारे फंक्शंस एक साथ होते हैं। दिमाग अपना काम कर रहा है, पर साथ के साथ मैं बोल भी रहा हूँ, सांस भी ले रहा हूँ, किडनी अपना काम कर रही है, पेट अपना काम कर रहा है, दिल अपना काम कर रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग रुक गया है और दिल काम कर रहा है? वो बहुत बीमार होने पे होता है, वैसे नहीं होता। आप कोमे में चले गए पर आपका दिल काम कर रहा है, पर दिमाग बंद हुआ तो पूरे शरीर को नुकसान भी हुआ मेरे, जाहिर सी बात है। तो एक चीज दूसरे चीज के साथ संबंधित है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर एक भी चीज खराब होगी तो ये चीज भी खराब होगी, इफेक्ट इफेक्ट आएगा ही आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी इसमें भी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरा दिमाग काम अच्छा करता है बट फिजिकली मैं थोड़ा वीक रहता हूँ। अगर फिजिकली वीक रहते तो आप धीरे धीरे इंटरनली भी आप वीक होना स्टार्ट हो जाए। वो लोग बोलते हैं सर मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ बट मेंटली वीक हूँ, तो आप हेल्दी नहीं है, आप तो भी बीमार है। हेल्दी उसको आप बोल ही नहीं सकते किसी भी टर्म में, तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी आती है। उसके बाद कारण सबको पता है कि हम बीमार क्यों होते हैं, इस चीज की नॉलेज हम सभी को है। मेन क्या आता है, हमारा खाना। इन्वायरमेंट की बात नहीं करूंगा, इन्वायरमेंट बहुत पोल्यूटेड है, हम सब मिलके ठीक कर सकते हैं बट चाहें और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं होगा, बट खान पान हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, हम अपना खान पान चेंज कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम बाहर का खाना नहीं खाते, घर का खाना खाते हैं। बाहर का और घर के खाने में क्या डिफरेंस आता है? बहुत लोगों के नजरिए से अलग फर्क ही होता है। बाहर का खाना मतलब कि पिज्जा बर्गर, घर का खाना मतलब दाल रोटी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप फाइव स्टार होटल में भी जाते हो वहां पे भी दाल रोटी मिलती है, सिर्फ वहीं पे पिज्जा बर्गर मिलते हैं? दाल रोटी तो हर जगह मिलती है, सही बोल रहा हूँ, दाल रोटी हर जगह मिलती है, हर चीज हर जगह मिलती है। पिज्जा बर्गर घर में तो बनते हैं, मैगी हम घर में भी बनाते हैं, ये सब चीजें हमारे घर में तो होती है, पिज्जा मैगी हम घर में बना सकते हैं, दाल चावल हमारे फाइव स्टार होटल में मिलते हैं। तो घर का और बाहर खाने में फर्क नहीं आता, थोड़ा सा टेस्ट और क्वालिटी का फर्क आता है, बट मोस्टली हम बीमार कैसे होते हैं कि हमारी चॉइस कैसी है खाने की, हम खाना क्या पसंद करते हैं। आज के बच्चे खाना क्या पसंद करते हैं? पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज नूडल्स ये सब चीजें, मोमोज ये सब चीजें। और अब बुजुर्ग अगर किसी से पूछ ले जो 45-50 साल के, वो बोलते हैं कि हमें दाल रोटी खानी। तो चॉइस ऑफ फूड हमें डिपेंड करता है कि हम खाना क्या पसंद कर रहे हैं, चाहे कहीं भी खाएं वो बात की बात है। पहला आता है कि हम खाना क्या खाएंगे, उसके बाद आता है हमारे पास इन्वायरमेंट, सबको पता है हम नींद कितनी अच्छी लेते हैं, जो हमारा दिमाग है ना, ये हेल्थी होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर ये हेल्थी नहीं होगा ना तो शर्त लगा के बोलता हूं हम बीमार होंगे ही होंगे, इसको अच्छा रखना ही है। तो नींद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं सर हम दिन में 10 घंटा सोते हैं, पर 10 घंटे के अंदर आप कितनी अच्छी नींद ले रहे हैं आपको पता है? बहुत अक्सर क्या होता है, अक्सर दूर जाने की जरूरत है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के अंदर क्या होता है, मेरा दिमाग चलता है, अब तो बहुत कंट्रोल में आ गया उनका दिमाग रात को सोते टाइम, पहले नहीं तो क्या था कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता था, तो उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती, सो जाती थी, शरीर को फिजिकली आराम देता था बट मेंटली उनको आराम नहीं मिलता था क्योंकि उनका दिमाग नींद में भी चलता था। तो इसीलिए क्या है कि मेंटली हमें भी स्ट्रोंग होना चाहिए, उसके बाद फिजिकली भी स्ट्रोंग होना चाहिए, पानी अच्छा पीना चाहिए, ये सब चीजें हमारी लाइफस्टाइल में आनी ही चाहिए अच्छे तौर पे। अगर हम इसको नेगेटिव वे में लेके चलते हैं कि सर हम ज्यादा पानी पिएंगे तो नुकसान नहीं है, ओवरडोज करोगे किसी भी चीज की तो आपको नुकसान होगा ही होगा। जैसे हमको कोई भी इंसान कोई भी डॉक्टर बोलते हैं कि एक गोली खानी तो एक गोली खानी है, हम बोलते हैं कि 20 ml लेना है थंडर ब्लास्ट तो 20 ml ही लेना है, ज्यादा लोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कुछ भी खाओ लिमिट में खाओ, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, ज्यादा नहीं खाना चाहिए कुछ भी चीजों का, ये बेसिक नॉलेज रहती है। बाकी बहुत सी चीजें अगर डिफिकल्ट लैंग्वेज में बात करूं वो बहुत सी हमें देखने को मिलेंगी, तो अब मैं डायरेक्ट आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन पे अच्छे से बात करेंगे, कॉम्बिनेशन की कमी नहीं रहने वाली आज के सेशन में, क्योंकि आज के सेशन बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स प्लस बहुत सी चीजें और भी हमें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो
दोस्तों ये स्क्रीन है हमारे सामने, देख लेता हूँ अगर सबको दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, अगर स्क्रीन शो हो रही तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मैं इसको कर देता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है? अगर हो रही है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए यार। डन डन डन, परफेक्ट परफेक्ट, सबको शो हो रही है, बढ़िया। और देखिए सेशन आज हम वन करने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या आएगा, वेलनेस केयर आएगा, एग्रीकल्चर आएगा और वेटनरी के तीन सेशन, तीन कैटेगरीज हमारे सामने आज हम यहाँ पे देखेंगे। अब क्या होने वाला है, थोड़ा टाइम कम रहेगा क्योंकि 7:30 हो चुके हैं, 7:30 के अंदर इतने प्रोडक्ट अच्छे से डिटेल में समझा पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा, तो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा तो उसके लिए हमें कम से कम आधा घंटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 घंटे के अंदर सभी प्रोडक्ट्स कंप्लीट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मेन मेन पॉइंट्स आपको समझाऊंगा, डीप नॉलेज मैं नहीं दे पाऊंगा, डीप नॉलेज आपको ऑफ एंड ट्रेनिंग में मिलती है हमेशा, नहीं तो कभी टाइम होगा ज्यादा तो मैं आपको वहां पे भी डीप नॉलेज हम आपको इजिली अवेलेबल करा पाएंगे, डोंट वरी। तो आज जो हमारा पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा इम्यूनोडोग्रस। अब देखिए इम्यूनोडोग्रस होता क्या है, इम्यूनिटी होता क्या है, रोग प्रतिरोध क्षमता होती क्या है, इम्यूनोग्रस एक क्या चीज है, एक सिंपल एक जड़ी बूटियों का एक अर्क है, लिक्विड फॉर्म में जोस टाइप कह सकते हैं आप इसको। मेन चीज क्या डाली हुई इसके अंदर, सेब है, पुनर्वा है, शतावरी, ये तीन चीजें इसके अंदर डाली गई है, कोकम हो गया, पुनर्वा, ये सब चीजें इसके अंदर डाली गई है अच्छे से। जब ये चीजें हमारे इम्यूनोडोग में है तो ये काम क्या करेगा, सेब आपने बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से हम सुनते आए कि दिन में एक सेब खाइए आप डॉक्टर से आजाद रह सकते हैं, मतलब आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेब के अंदर वो गुण पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को डेली लाइफ में जरूरी होते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं, डेली सेब खाते हैं? नहीं खाते, जाहिर सी बात है 150-200 रुपए किलो सेब हो रखे अच्छे वाले, बात करो तो कम से कम 150 रुपए है, एक मिडिल क्लास फैमिली आपके जैसा और मेरे जैसा डेली अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं उस चीज को खाना छोड़ देते हैं, हफ्ते में एक बार खा लिया, नहीं तो कभी बार रिश्तेदार आए तो उनके साथ 2 पीस खा ली, बट डेली हम नहीं खाते, रोजाना का हमारा खान पान नहीं है, रोजाना हमारा दाल चावल ये सब चीजें चलती हैं बट हम नहीं खाते। तो अगर ये सब चीजें नहीं खाएंगे तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी ही, तभी हम बोलते हैं कि अगर आप नेचुरल तरीके से ठीक होना चाहते तो आपको नेचर को अपनाना पड़ेगा, नेचर को अपनाना, प्रकृति को अपने पास लेके आना पड़ेगा, प्रकृति को अपने अंदर लेके जाना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे, तभी आपको ना आयुर्वेदा ना एलोपैथी ना होम्योपैथी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नेचर को अपनाओगे तो। बट वो आज के टाइम में इम्पॉसिबल जैसा हो रखा है, हमने करा हुआ जानबूझ के। ओके दोस्तों, हमने इसको कितना लेना है इम्यूनोडोग्रस को, 20 ml तक ले सकते हैं, 15 से 20 ml दिन में 2 बार। रोग प्रतिरोधक क्षमता सिंपल सरल भाषा में समझाऊं तो हमारे शरीर में एक आर्मी होती है सेल्स की जो अंदर क्या करती है, बीमारी नहीं आने देती, सिंपल ये काम करता है। जब यही कमजोर हो जाते हैं सेल, वो आर्मी कमजोर हो जाएगी तो बीमारी हमारे शरीर में आएगी और हम वहां पे बीमार होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे प्रांश जोगवले एक चमन प्राश है। अभी देखिए ये ऑलराउंड प्रोडक्ट है, मतलब कि हमारी ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है, बालों से लेके एडी तक काम करने वाला हमारा प्रोडक्ट है। डला क्या, तो अगर बात करें ब्राह्मी है, इसके अंदर आंवला है, इसके अंदर बात करें विदारी कंठ है, इसके अंदर खजूर है, बादाम है, अंजीर है, सब चीजें इसके अंदर डाली गई, मतलब कि सब तरह के इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं तो बेनिफिट सबको पता है, इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा ड्राई फ्रूट्स के, ब्राह्मी के बेनिफिट बता देता हूँ। ब्राह्मी हमारे ब्रेन में जाके इन्फ्लामेशन कम करता है, इन्फ्लामेशन कम होगा हमारे स्ट्रेस दूर करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को फास्ट करता है हमारा ब्राह्मी। इसके अंदर वो डला आंवला है तो एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है, वाइटामिन सी अच्छा रहेगा, स्किन की क्वालिटी के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। प्रांश जो गवले को हमने लेना कब है, हम इसको सर्दियों में भी ले सकते हैं, गर्मियों में ले सकते हैं। अब आज के टाइम में जो सर्दियां चल रही है उसके अंदर आप इसको 15 ग्राम तक आराम से ले सकते हैं, गर्मी आती है तो आप इसको अदा कर सकते हैं 10 ग्राम तक, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, 10 ग्राम तक आपके लिए बहुत ज्यादा सही होता है गर्मियों में। अब देखिए इम्यूनोडोग और प्रांशजोग दोनों चीजों को हमने शुगर वाले व्यक्ति को नहीं देंगे, ना प्रांशजोग देंगे ना हम इम्यूनोडोग देंगे, बाकी सब आप आराम से इसको किसी को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। और गर्म दूध के साथ लेंगे तो और बेहतर रिजल्ट आएंगे। उसके बाद हमारा थंडर ब्लास्ट रस, अब नाम में समझ आता है क्या काम करने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इसका मेन काम रहता है वो रहता है हमारा थंडर ब्लास्ट रस का, हमारी बॉडी में जाके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना।
ब्लड फ्लो मतलब कि रक्त दबाव को अच्छा करना। जब रक्त दबाव बहुत ज्यादा स्लो चला जाता है ना दोस्तों, फाइटर्स होता है कि जब खून धीरे धीरे चलता है हमारे शरीर में, तो होगा क्या, हमारे शरीर में खून धीरे धीरे चलेगा तो हमारे अंगों तक, बाकी जो अंग्स हैं, ऑर्गन्स हैं सॉरी, उनके अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दोनों चीजें टाइम से नहीं पहुंचेंगी। जब टाइम से नहीं पहुंचे तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है आपको परेशान करेंगी करेंगी। एग्जाम्पल की बात करें, सिंपल सरल से एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास। आपकी ट्रेन है जो 8 बजे सुबह, आपकी ट्रेन 8 बजे और आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां पे आप पहुंचेंगे 12 बजे, 4 घंटे की जर्नी है। अब क्या होता है, आपके घर शहर में आई ट्रेन 8 बजे पूरे टाइम पे, बट आपको लेट होते 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 हुए 2 बज गए, 2 घंटे लेट हो गए। अब क्या, जो आप काम करना चाह रहे थे 4 घंटे में, वो आपको काम करना पड़ेगा 2 घंटे में। मतलब कि आपकी बॉडी पे, आपके दिमाग पे, ब्रेन पे और आपकी फिजिकली बॉडी पे प्रेशर आएगा और हो सकता है कि वो काम हो भी ना पाए पूरे से, तो प्रॉब्लम तो आएगी। वैसे ही क्या है कि अगर खून समय तक नहीं पहुंचेगा हमारे ऑर्गन्स तक, तो ऑर्गन्स प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो वहां पे हमने क्या करना है, ऑर्गन्स को अच्छा हेल्दी रखने की, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना है, प्लस स्टेमिना इंक्रीज करता है, थंडर ब्लास्ट एनर्जी बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है हमारे पास। इसके अंदर क्या डाले, इसके अंदर हमारे पास मोती बसम है, लोंग वंग बसम है, लो बसम है, ये सब चीजें डाल गया, अश्वगंधा हो गया और बहुत सी चीजों को इसके अंदर मिक्सन करके हमने इसको बनाया गया है। परहेज रखना है इसका, हाई बीपी वाले को बिल्कुल भी नहीं देंगे। जिस पर्सन को हाई बीपी उसको हम थंडर ब्लास्ट रस बिल्कुल भी नहीं देंगे। लेडीज लेंगे इसको 10 ml तक, जेंट्स लेंगे इसको 20 ml तक। लेडीज 10 ml, जेंट्स 20 ml, इससे ऊपर जाने की जरूरत आपको है ही नहीं। गर्म दूध के साथ लेंगे तो और बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने के यहाँ पे मिलेंगे। कॉम्बिनेशन लिखवाने लगा हूं दोस्तों, मेल इनफर्टिलिटी का, मेल इनफर्टिलिटी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे। वो उसमें क्या देखेंगे हम, अगर बात करें यहाँ पे मेल इनफर्टिलिटी के अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे खाली पेट अगर हम देंगे उनमें क्या देंगे, प्राजोगोबले या क्लोरोडो या नोनोडो। खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद आप प्राजोगोबले दे सकते हैं उन्हें, क्लोरोडो दे सकते हैं और नोनोडो दे सकते हैं। उसके बाद थंडर ब्लास्ट रहेगा दिन में 2 बार, जो क्लोरोडोक नोनेडोक तीनों में से एक चीज नाश्ता करने के बाद। उसके बाद आप थंडर ब्लास्ट देंगे 20 ml तक, टेस्टोफास्ट कैप्सूल या शिलाजीत में से एक चीज, टेस्टोफास्ट कैप्सूल या शिलाजीत में से एक चीज देंगे। उसके बाद बात करें और क्या देंगे हम, त्रिफला देंगे रात में सोने से पहले, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। डे लिफ्ट या बीटाडोक में से एक चीज देंगे, वीटाडोग और डे लिफ्ट में से एक चीज देंगे। प्लस बात करें इसके अंदर पंच तुलसी देंगे। प्लस पंच तुलसी लेंगे। ये हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहने वाला है। रिपीट करता रहा हूँ जल्दी जल्दी, प्राजोग क्लोरोडोग नोनिडोग में से तीनों में से एक चीज आशा करने के बाद प्राजोग देंगे, टेस्टोफाशिलाजित में से एक चीज देंगे। रात में सोने से पहले त्रिफला लेना है, 5 से 10 ml तक ले सकते हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। डे लिफ्ट वीटाडोग में से एक चीज और पंच तुलसी भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं। ओके दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है मतलब कि नपुंसकता की समस्या, तो वहां पे हम क्या दे देंगे, साथ में ओर्निगोट वीट कैप्सूल दे देंगे। ओके दोस्तों, ये हमारा कॉम्बिनेशन हुआ थंडर ब्लास्ट का, मेल फर्टिलिटी का, मैंने यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बता दिया। आगे बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं हमारा आज का गायनेडोक रस। अब गायनेडोक देखिए, महिलाओं के अंदर पीरियड्स ना आना आज के टाइम बहुत बड़ी समस्या है। पीसीओएस, पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज, सिस्ट बनना, गांठे होना, कमजोरी ज्यादा रहना, ये सब चीजें आज के टाइम में फीमेल्स में बहुत ज्यादा हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। जब ये ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा हमें पेन होता है,
वीक नेस आनी है, मेबी कंसीव करने प्रॉब्लम, पिंपल्स, हेयर फॉल, सब चीजें यहाँ पे हमें लेडीज के अंदर देखने पे यहाँ पे मिलती है। तो गैनेटोग्रस्ट क्या करता है, गैनेटोग्रस्ट फीमेल्स बॉडी में जाके उनका एस्ट्रोजन लेवल मेंटेन करके रखता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो सेक्सुअल हार्मोन होता है, प्लस पीरियड साइकिल कंट्रोल करके काफी ज्यादा मसल्स हो गया, एनर्जी हो गया, स्टेमिना बनाता है जो बॉडी में। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या देंगे, हम गैनेटोग्रस देंगे। कितना देंगे, 15 से 20 ml दिन में 2 बार देंगे यहाँ पे हम महिलाओं को। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे। कॉम्बिनेशन हम क्या देंगे, सबसे पहले खाली पेट प्रास जो गबले, खाली पेट प्रास जो गबले हमने गायनेडॉग को और फीमेल्स को यहाँ पे गायनेडॉग देना है। उसके बाद करें हम देंगे हमारा गायनेडोग्रस। उसके बाद हमारा हम क्या देंगे, क्लोरोडॉग, वुमन वेलनेस टैबलेट, और विटामिन बी 12। रिपीट करते हैं हम, खाली पेट प्राजोक, खाना खाने के बाद गायनेडोक, क्लोरोडोक, वुमन वेलनेस, विटामिन बी 12, ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर कोई सिस्ट की प्रॉब्लम है, फाइब्रोइड्स है यूट्रस में, गांठें वगैरह है, तो प्रास जो कि अबले की जगह फेन्युग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल दे सकते हैं, उसके जगह पे आप फेन्युग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। सर फेन्युग्रीक आप दोनों टाइम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेन्युग्रीक आप दोनों टाइम ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा डाइबोटो। अब देखिए डायबिटीज हमारी बॉडी में जाके ऐसा नहीं है सिर्फ हमें भूख लगाता है, मेन प्रॉब्लम बताऊं क्या होगा, आपकी बॉडी कमजोर होगी, पहला भूख लगना, दूसरी चीज आ गई वीकनेस हो गया, खून चमड़ी पतली रहती है, खून बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। मेन चीज प्रॉब्लम आती है जब आपको कोई इंजरी होती है, जख्म जल्दी नहीं भरते, हड्डियां गलने लग जाती हैं। इन केस भगवान अगर कभी कोई एक्सीडेंट होता है किसी का, तो उसके अंदर अगर रोड डालने की प्लेट्स है, रोड डालने की जरूरत आती है, तो डॉक्टर हिचकिचाते हैं क्योंकि शुगर वालों की बहुत मुश्किल से प्लेट टिकती है, ज्यादा लंबे समय चल नहीं पाती, ऑपरेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये सब चीजें शुगर वाले व्यक्तियों को देखने में मिलती है। नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल है पर डेंजरस है, मतलब कि कॉमन इतनी हो चुकी है तो आदमी को फील नहीं होता कि अच्छा हाँ जख्म नहीं जल भर रहा क्योंकि शुगर है, पर ये बहुत सोचने वाले बात, अगर जख्म नहीं भरेगा तो ठीक कैसे होगा, हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो हड्डी जल्दी से रिकवर नहीं कर पाती है। तो कहने का इंशोर्ट है कि आप स्लो पॉइजन की तरह डायबिटीज काम करते, धीरे 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 इंसान को ये मारता है। तो डायबिटोक में एक डाला क्या हुआ, करेला है, जामुन है, गुरमुर, ये सब चीजें इसके अंदर डाली गई है। टाइप 1 टाइप 2 दोनों तरह की शुगर में काम करता है, 25 से 30 ml तक दे सकते हैं, 20 से 25 ml भी चलेगा आराम से। 20 से 25 ml इसको आराम से खाली पेट नाश्ता करने से पहले हमने इसको लेना है। अब मैं कॉम्बिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऐसा ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल आप उठते हैं 6 बजे, 6 बजे उठे तो 6 बजे उठते ही आपने क्या किया, एक गिलास पानी पिया। जब 6 बजे उठते एक गिलास पानी पीते हो आप, तो उसी के साथ हमने फेन्युग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लेना है। उसी के साथ हमने फेन्युग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल यहाँ पे ले लिया। सुबह उठे 6 बजे फेन्युग्रीक ले लिया, 8 बजे आप नाश्ता कर रहे, तो नाश्ता करने से आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले आप क्या करो, क्या लेंगे हम, डाइबोडोक रस लेंगे। उससे पहले हम डाइबोडोक रस लेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद हम सीबक टोक देंगे, उसके बाद हम सीबक टोक देंगे। और उसके बाद बात करें हम क्या देंगे, हमारा क्लोरोडोक। उसके बाद हमारा मल्टीविटामिन या मोरिडो, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस आप यहाँ पे तुलसी भी दे सकते हैं, अगर देना आप चाहें तो, देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
रिपीट करते रहो, सुबह सुबह खाली पेट फेन्युग्रीक, नाश्ता करने से पहले आधा पौना घंटा पहले हमारा डाइगोडोक, दीपक डोक, क्लोरोडोक, मल्टीविटामिन और मोनोडोक में से एक चीज, उसके हमारा लिवोडोक आएगा। लीवर हमारी और का इंटरनल बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन रहता है। अब यहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमें बहुत ज्यादा वीकनेस आती है तो इन शॉर्ट हमें मान लेना चाहिए कि हमारा लीवर कहीं ना कहीं डैमेज होना स्टार्ट हो गया। लीवर फैटी होता है, लीवर के अंदर क्या होता है, ऊपर लीवर के ऊपर जो चर्बी होती है वो चढ़ने लग जाती है, और लीवर का काम ही क्या है, चर्बी को खत्म करना। जब लीवर के ऊपर चर्बी चढ़े तो जाहिर सी बात है हमारा लीवर कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, तो उस चीज में मदद करता है हमारा लीवर डोग्रस। बात करें इसका कासनी डली, इसका भोई आंवला डला है, इसके अंदर हमारा मकोया डला है, त्रिफला डला है, ग्लोया डला हुआ है, इसके अंदर नगरमोटा डला हुआ है, ये सब चीजें इसके अंदर डाली गई हैं। साथ के साथ लीवर के क्या काम रहते हैं, लीवर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन स्टोर करके रखता है ताकि जब जरूरत हो तो वो न्यूट्रिशन को, पोषण को पूरी बॉडी में सप्लाई कर पाए। प्लस और बहुत से काम रहते हैं इसके, कितना लेना है लीवर को, लीवर डोक को हमने इसको 15 से 20 ml लेंगे दिन में, 2 बार लेंगे लीवर डोक को हमने दिन में 2 बार लेना है 15 से 20 ml। अगर लीवर की समस्या आती है तो क्या देंगे, लीवर की समस्या आती है सबसे पहले सीबक डो, लीवर डो, क्लोरोडो, त्रिफला। सीबक खाना खाने के बाद, लीवो खाना खाने के बाद, क्लोरो खाना खाने के बाद, और रात को सोने से पहले हमारा त्रिफला, चार प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है। प्लस आता है कार्डियोडो। अब हार्ट हमारे लिए, मैंने आपको बताया था हार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर क्या प्रॉब्लम आती है, लोगों के हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाती है, कैलोस्ट्रॉल की समस्या, हाई बीपी की समस्या, नसों के अंदर ब्लॉकिंग होगी, खून बहुत पंप धीरे कर रहा है, ये सब चीजें प्रॉब्लम आती है हमारे हार्ट के अंदर। जब खून धीरे धीरे पंप होगा तो साइड से बात, खून फ्लड, खून चलेगा कम, धीरे चलेगा तो ऑर्गन्स भी खराब होंगे। तो कार्डियोडोग्रस क्या करता है, इसके अंदर अर्जुन छाड़ डाली गई है, इसके अंदर शोका छाड़ डाली गई, इसके अंदर दालचीनी, इसके अंदर जटामासी डाली गई, ये सब चीजें क्या करती है, हार्ट के फंक्शन को इंक्रीज करती है, ब्लड प्लस ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर करेगा, हाई बीपी की समस्या तो उसमें मदद करेगा हमारा कार्डियोडोग्रस। लेना कितना, 20 ml तक लेंगे, 20 ml तक दिन में 2 बार हमने यहाँ पे कार्डियोडोग्रस लेना है। कॉम्बिनेशन देखिए क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन में सबसे पहले हम क्या देंगे, खाली पेट फेन्युग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, खाली पेट फेन्युग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल हमने यहाँ पे देना है। उसके बाद हम अगर बात करें सीबक डोक जोस दे सकते हैं, बेरी डोक दे सकते हैं, शोर 30 दे सकते हैं, सीबक, बेरी डोक, शोर 30। सीबक तब देते हैं जब शुगर होता है, अगर शुगर नहीं है हार्ट वाले को तो आप शोर 30 और बेरी डोक भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्लस अगर बात करें और क्या क्या देंगे, कार्डियोडोक हमारा जो मेन प्रोडक्ट रहेगा, क्लोरोडोक हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा, उसके बाद करेंगे ओमेगा डोक हमारा मेन प्रोडक्ट रहेगा, इसके अंदर अर्जुन छाल एक्स्ट्रा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे हमारे पास अर्जुन अर्जुन छाल भी आप एक्स्ट्रा दे सकते हो, कोई समस्या नहीं आने वाली। रिपीट कर दे रहा हूँ, खाली पेट फेन्युग्रीक, नाश्ता करने वाला सीबक डोक, बेरिडोक, शो 30, कार्डियोडोक, क्लोरोडोक, ब्रेन ओमेगा डोक और हमारा अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल, ये हमारा हाई बीपी की समस्या में प्लस और आप हार्ट की समस्या में भी काम करने वाला कॉम्बिनेशन हो गया। आगे बात करते हैं, इसके बाद आता है हमारे पास ओबियोडोक, मोटापे की समस्या। देखिए नॉर्मल नहीं होते, जब बहुत ज्यादा मोटापा आता है तो हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, मसल्स वीक हो जाते हैं, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, शुगर की समस्या, ये समस्या हमें नॉर्मल देखने को यहाँ पे मिलती है जब हम मोटापे का शिकार होते हैं। तो उसी समस्या को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ओबियोडोक रस देंगे। इसके अंदर क्या क्या डाला, इसके अंदर गुड़गुड़ डाला, गार्लिक डाला, इसके अंदर कोकम डाला गया है, ग्रीन टी डाली हुई है इसके अंदर हमारे पास। कितना लेंगे हम इसको, 25 से 30 ml हमने ओबियोडोक को यहाँ पे हमने 25 से 30 ml हमने यहाँ पे लेना है। ओके दोस्तों, 25 से 30 ml दिन में 2 बार हमने यहाँ पे ओबियोडोक को लेना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा एलोवेरा सिरप, सभी को पता है ऑलराउंड प्रोडक्ट है, हर कोई ले सकता है, चाहे वो बीमार हो चाहे वो बीमार ना हो। जो बीमार नहीं है उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, हम सभी ट्रेनर्स बार बार बोलते हैं जो बीमार नहीं है उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। बिकॉज रीजन क्या रहता है, जब आप
एलोवेरा पीते हो तो ये आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रखता है, स्किन, हेयर, लीवर, पेट, हार्ट, लंग, सब चीजों की प्रॉब्लम के अंदर मदद करता है हमारा। कितना लेना है, 20 से 25 ml, ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो, कम से कम जितना मर्जी चाहे आप ले सकते हो। उसके बाद आता है हमारा मेटाडोक, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए। मेटाडोक हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, अपच की समस्या, ब्लोटिंग हो गया, मेटाबॉलिज्म जब फास्ट हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, स्लो हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए 10 से 20 ml ले सकते हैं। मेटाबॉलिज्म होता क्या, अगर उसकी बात करूं, आपने अक्सर देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, 10 रोटी खाते हैं दिन की, फिर भी पतले दुबले होते हैं। इतना मीठा खाते हैं तो भी पतले दुबले होते हैं, सारा दिन लेटे रहते हैं तो भी पतले दुबले होते हैं। पर उल्टा देखे कहीं तो दिन में 5 रोटी या 4 रोटी खाने वाला भी इंसान, इतना काम करने वाला, मीठा ना खाने वाला भी बहुत मोटा होता है। कारण क्या है, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। जिसका वीक होता है वो कम खा के भी मोटा रहता है, जिसका बहुत ज्यादा फास्ट होता है उसको बहुत ज्यादा खा के भी पतला रहता है। तो उसी चीज को नॉर्मल और मेंटेन करके रखता है हमारा मेटाडोल। उसके बाद आता है गैस्ट्रो कैप्सूल। गैस की किसी भी तरह की समस्या होती है हमारी बॉडी के अंदर तो वहां पे हमारा गैस्ट्रो कैप्सूल बहुत बेहतरीन काम करता है। सुबह सुबह खाली पेट लेंगे, जब गैस हो गया तो समझ लो कि हमें ज्यादा ना तला हुआ ना ज्यादा भारी खाना, मीठा वाला खाना हमने छोड़ना है यहाँ पे, ताकि हमें हमारी बॉडी जल्द से जल्दी रिकवर अच्छे से हो पाए। उसके बाद बात करें, उसके बाद हमारा त्रिफला। त्रिफला मैंने आपको बताया रात को सोने से पहले लेना है, कोशिश करें आप इसको सोने से पहले लें तो और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा कब्ज। जो कब्ज की समस्या, देखिए कब्ज की समस्या बहुत लोग बहुत लाइटली लेते हैं, मतलब लोगों को लगता है कब्ज तो है क्या, इसका तो कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा नहीं है। कब्ज बहुत सीरियस प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम रहती है कब्ज हमारी। जब ज्यादा लंबे समय तक कब्ज रहेगी तो साइड सी बात है, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर बवासीर बनने स्टार्ट हो जाएगी। जब पाइल्स हो जाएगा तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, पेन बैठने में, उठने में, खा पी नहीं सकते। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए हमने कब्ज जो बनाया है, 3 से 5 ग्राम लेंगे, ज्यादा हम यहाँ पे नहीं लेंगे। 3 से 5 ग्राम ने कब्ज जो ग्रैनुलर यहाँ पे लेना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारा पाइलोडो। पाइल्स की समस्या मैंने आपको बता दी, जब ज्यादा कब्ज होती है तभी हमें पाइल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर डला की अगर बात करें, इसके अंदर मोरिंगा डला है, इसके अंदर हमारा निशोर डला है, इसके अंदर और बात करें अगर बात सबसे मेन बात करें, चिरायता डला हुआ है। चिरायता इतना ज्यादा कड़वा होता है, अगर आप किसी ने ट्राई करा हो तो बहुत भयंकर कड़वा होता है। नॉर्मल इंसान मतलब जो बुजुर्ग है वो ले सकते हैं, बच्चे आज की जनरेशन चिरायता नहीं अफोर्ड कर सकती पीना, फाइनेंशियली नहीं, टेस्ट वाइज अफोर्ड नहीं कर सकता इंसान, इतना ज्यादा कड़वा होता है। मैंने एक घूट पिया लाइफ में, आज तक मैंने भी चिरायता कभी नहीं पिया, बहुत ज्यादा कड़वा होता है। कभी ट्राई कर लेना, शॉप पे जाके आप मांग सकते हो चिरायता, भिगो के रख लेना पूरी रात, आप सुबह पी सकते हो, टेस्ट आपको पता चल जाएगा कैसा होता है। ऐसी सब चीजें इसके अंदर डाली गई है और आयुर्वेदिक टेस्ट इसका अच्छा रखा है, ताकि किसी को भी कोई पाइल पाइल से समस्या तो वहां पे हम सभी इसको ले पाएंगे। इसलिए कॉम्बिनेशन लिखेंगे पाइल्स का, सबसे पहले हम क्या देंगे पाइल्स के कॉम्बिनेशन में, खाली पेट एलोवेरा। पाइल्स के कॉम्बिनेशन खाली पेट हम देंगे एलोवेरा, उसके बाद डिजिटॉल पाउडर देंगे। डिजिडॉक पाउडर देंगे हम यहाँ पे, प्लस क्लोरोडॉक देंगे, अब एक डब्बा दवाई है इसको थोड़ा सा पानी से भिगा के पाइलोडॉक देंगे, इससे गंदा हो रहा है दवाई के भीतर से, घी निकाल दिया गया नहीं रखा है उसके लिए, क्लोरोडॉक देंगे, पाइलोडॉक देंगे यहाँ पे। डब्बा दवाई है 2 kg का, उसी में जमा जनवरी में हमको 2 किलो घी चाहिए ना, रात में त्रिफला देंगे। चलिए ये कॉम्बिनेशन रहेगा हमारा, पेट कर दे रहा हूँ, एलोवेरा, खाली पेट, डाइजिटोक नाश्ता करने के बाद। सर सभी प्रोडक्ट्स नाश्ता खाना खाने की बात ही लेना है, जो जो खाली पेट लेने वाला, जैसे मैंने डाइजिटोक में पहले ही बता दिया था खाना खाने से पहले लेना है, तो वो खाना खाने से पहले लेना, बाकी सभी खाना खाने के बाद ही लेना है। पहले भी मैंने बताया खाली पेट लेना है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एलोवेरा नाश्ता करने से पहले सुबह खाली पेट लेना है, बाकी सारा खाना खाने के बाद लेना है।
उसके बाद हमारा क्लोरोडो ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, किसी भी प्रॉब्लम आप इसको आराम से यहाँ पे देख सकते हो, कोई समस्या यहाँ पे हमारे पास आने वाली नहीं है। कितना लेना है भाई हमारा 20 से 25 सैंपल हमने क्लोरोडो को देंगे। व्हीट ग्रास पाउडर कोई एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा महंगा नहीं ले सकता, आप इसको वो दे सकते हैं अगर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बाकी बेनिफिट्स इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रिशन अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छा है, वेट मैनेजमेंट में करने में, शुगर को मेंटेन रखने के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम, सभी चीजों में हमारा काम करता है हमारा व्हीट ग्रास पाउडर। 1 से 2 ग्राम लेंगे दिन में, 2 बार लेंगे गर्म पानी के साथ में, खाना खाने के बाद ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नया जो प्रोडक्ट आया है, वो आया है हमारा पुनर्वा क्वत। अब ये क्या करता है, अगर बात करें ये जो हमारे सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको बना के रखता है, सूजन को खत्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। और अगर बात करें ये साथ ही साथ हमारे घुटनों में के पेन्स हो गया, साथ ही साथ हमारे किडनी लीवर के फंक्शन को अच्छा बना के रखता है, टॉक्सिन्स को खत्म करता है, जो गंदगी हमारी बॉडी में बनी उसको खत्म करता है हमारा पुनर्वा क्वत। 10 से 15 ml लेना दिन में, हमने 2 बार यहाँ पे हमने पुनर्वा क्वत लेंगे। यहाँ पे स्टोनडॉप किडनी की कोई भी समस्या हो, पथरी तो बात की बात है, किडनी की कोई भी समस्या हो वहां पे आप इसको आराम से यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि पथरी होती कहाँ पे, किडनी में। जब किडनी हमारी हेल्दी रहेगी तो जाहिर सी बात है हमारी पथरी हमें होगी ही नहीं। तो आज के टाइम अगर बात करें, हम चेक करवाए, पथरी ऑलमोस्ट लोगों के अंदर मिलती है पर हमें पता नहीं चलता, जब तक जब पथरी हिलती, पथरी हिलना स्टार्ट हुई तो हमें पता चल जाता है कि हमारी आज हमें किड हमारे पथरी है। नहीं तो ऑलमोस्ट सभी के अंदर होती है, बस हिलती नहीं है, पेन नहीं करता, अदरवाइज पथरी ऑलमोस्ट सभी में पाई जाती है, बिकॉज हमारी बॉडी वैसी हो चुकी है, खाना खाना है वैसा, नींद हेल्थ हर चीजों के अंदर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है। कॉम्बिनेशन में क्या देंगे, कॉम्बिनेशन में सबसे पहले देंगे हम खाली पेट गैस दो, खाली पेट गैस दो, खाली पेट गैस डोक दिया। उसके बाद बात करें हम गैसों के अलावा नाश्ता करने के बाद हमने उसके बाद करें हमारा लीवर डॉग, लीवर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लीवर, तो लीवर डॉग देंगे प्लस शिलाजीत देंगे। शिलाजीत केवल सेक्सुअल हॉर्मोन्स के लिए नहीं होता, शिलाजीत हमारे ब्रेन से लेके आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, स्टेमिना के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, सब चीजों में काम करता है हमारा शिलाजीत। शिलाजीत देंगे रात में, त्रिफला दे देंगे। रिपीट कर दे रहा हूँ, गैस डॉग, स्टोन डॉग, लिवर डॉग, शिलाजीत और हमारा रात में त्रिफला। अगर यूरिक एसिड है किसी इंसान को, सर किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए, किडनी की समस्या के लिए, चाहे कोई भी समस्या हो, यूरिक एसिड है तो क्या देंगे हम, अगर बात करें क्लोरोडॉक, स्टोनडॉक और हमारा लिवरडॉक, स्टोनडॉक, क्लोरोडॉक, लिवरडॉक। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें हमारे पास आता है किड्स डॉग रस। अब बच्चों की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो आज के टाइम में बच्चों के लिए क्या करना है, हमने किड्स डॉग रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, बच्चे अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, स्कूल में बच्चे आज के टाइम में लंच बॉक्स नहीं लेके जा रहे, लेके जाते तो उसमें पास्ता, नूडल्स, मैगी वगैरह सब होती है, पिज्जा वगैरह में ज्यादा ध्यान हो चुका है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ना के बराबर है बच्चों की। मेंटली बच्चे ज्यादा फोन्स में रहते हैं, लैपटॉप्स में रहते हैं, तो मेंटली भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए, तो सभी प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे बच्चों की कहीं ना कहीं हमें फेस करने को मिलती है। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए किड्स डॉग रस बनाया गया, ताकि हमारे बच्चे हेल्दी रहें। कितना लेना है हमने किड्स डॉग रस को, अगर बात करें तो हमने 10 ml तक लेना है दिन में, 2 बार लेना, 10 ml तक दिन में 2 बार हमने किड्स डॉग रस यहाँ पे लेंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास आता है ऑर्थोडॉक। किसी भी तरह की कोई भी जॉइंट्स की, घुटनों की, अर्थराइटिस, ऐसा कुछ ही प्रॉब्लम आती है हमारे पास, तो वहां पे हमारा ऑर्थोडॉक बहुत बेहतरीन काम करेगा। इसके लिए गूगल डाली गई है, इसके अंदर हल्दी है, हड़जोड़ है, मेथी है, रसन है, मलकादनी, ये सब चीजें डाली गई है जो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जॉइंट्स में देखिए मोस्टली प्रॉब्लम क्या पाई जाती है, जॉइंट्स के अंदर हमारे जो कार्टिलेज होता है वो वीक हो जाता है। जब कार्टिलेज बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तो वहां पे हमारे पास
हड्डियां आपस में टकराती हैं। जब हड्डियां टकराती हैं तो क्या होता है, चलने में उठने बैठने में हमें प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, कॉम्बिनेशन लिखाऊंगा, जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन लिखेगा यहाँ पे। खाली पेट फेन्युग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, फेन्युग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल देंगे खाली पेट। उसके बाद खाना खाने के बाद हम ऑर्थोडॉक देंगे, 15 से 20 एमएल ऑर्थोडॉक दे सकते हैं, प्लस क्लोरोडॉक देंगे, कैल्शियम देंगे। कैल्शियम जाएगा तो विटामिन डी फॉर डोंकी वाला डी टू या फिर के फॉर काइट, प्लस कर्किडो कैप्सूल या कर्किडो ड्रॉप। रिपीट कर दे, फेन्युग्रीक खाली पेट, ऑर्थोडॉक, क्लोरोडॉक, कैल्शियम के साथ D2 या K2 प्लस कर्किडो कैप्सूल या ड्रॉप। ये कॉम्बिनेशन हमारा किसी भी तरह की जॉइंट्स की पेन के लिए वहां पे हमारा काम करने वाला कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जेसीओ, कहीं भी पेन हो, जॉइंट्स में हो, मसल्स में हो, स्टोर्ड आ गई है, मोड़ आ गया, से कहीं भी पेन हो तो वहां पे हम इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमें होने वाली नहीं है। उसके बाद हमारा थायराइड, थायरॉइड प्रोवाइड को देखिए बहुत बेहतरीन रहता है हमारे थायराइड की समस्या के लिए। जब थायराइड की समस्या होती है तो देखिए हम बहुत ज्यादा मोटे या बहुत ज्यादा पतले होते हैं बिना कुछ खाए पिए, तो वहां पे हमारा थायरॉइड बहुत बेहतरीन काम करने वाला प्रोडक्ट है। कितना देंगे थायरॉइड हम देंगे हमारे दिन में बात करें 20 से 25 एमएल देंगे दिन में, दो बार देंगे खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद दिन में दो बार हमने थायरॉइड देना है, प्लस क्लोरोडॉक प्लस विटामिन B12 और मल्टीविटामिन। चार प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, थायरॉइड, क्लोरोडॉक, विटामिन B12 प्लस हमारा मल्टीविटामिन। अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा वायरल लोग, वायरल की समस्या, किसी भी तरह की समस्या हो तो वहां पे हमारा वायरल लोग बहुत बेहतरीन काम करने वाला है। वायरल डॉग और फीवर डॉग दोनों सेम चीज रहेगी कॉम्बिनेशन में, एक चीज आपस में बदलेगी बाकी सारा कॉम्बिनेशन सेम रहेगा। फीवर डॉग और वायरल डॉग का ज्यादा हम यहाँ पे ज्यादा हेरफेर यहाँ पे हम नहीं करें। ओके दोस्तों, कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, वायरल का कोई भी तरह की डेंगू मलेरिया ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे हम क्या देंगे, सबसे पहले हम देंगे हमारा इम्यूनोडॉग, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वहां पे हमारा इम्यूनोडॉग जाएगा। प्लस फीवर डॉग या वायरल डॉग, फीवर डॉग या वायरल डॉग हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारा जाएगा। प्लस बात करें पंच तुलसी, आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास नहीं है। उसके बाद करें अगर और क्या देंगे हमारा, गिलोय जूस दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है वहां पे हमारे पास। उसके बाद करें और क्या देंगे, जिंक टैबलेट, एक चीज और बता दूं, रिपीट कर दे रहा हूं, वायरल डॉग, इम्यूनोडॉग या फीवर डॉग दोनों में से एक चीज, वायरल डॉग और फीवर डॉग में से, प्लस अगर और बात करें हमारा पंच तुलसी, जिंक टैबलेट और हमारा गिलोय जूस, ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पे फीवर डॉग और वायरल डॉग का। उसके बाद करते हैं हमारे पास कफ डॉग की, कफ डॉग किसी भी तरह खांसी हो आपको, काली खांसी, बलगम वाली खांसी, सूखी खांसी, किसी भी तरह की समस्या, वहां पे हमारा कफ डॉग बहुत बेहतरीन काम करता है। कैसे, वसा डाल गया, हनी डाला गया, इसके अंदर बात की बात करें मुलेठी है, कासनी है, इसके अंदर
नगर मोटा है, लोंग है, सब लोता है, सब चीजें डाली गई है जो हमारे लंग्स के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, साथ के साथ जो म्यूकस ज्यादा बना है उसको भी खत्म करता है। कितना देंगे हम इसको, 10 से 15 ml दिन में, 2 बार 3 गर्म पानी के साथ लेंगे। साथ के साथ अगर आप डेंटडो की स्टीम लेते हो तो और बेहतर रिजल्ट आएगा। एक ग्लास कोई जग लिया, कोई बर्तन, बड़ा बर्तन लिया, उसके अंदर डेंटोडॉग मिलाइए, उबलते हुए पानी में कवर करके सर आपने स्टीम लिया तो और बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अगले बात करते उसके बाद हमारे पास पंच तुलसी, सभी को पता है बेनिफिट, इस तरह एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। प्लस और आगे बात करें हमारे साथ, उसके बाद हमारे पास ब्रेन डॉग। मैं बता दूं कितने प्रोडक्ट्स अभी बचे हुए हैं, अभी हमारे पास काफी प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं तो मैं थोड़ा स्पीडली बोलूंगा। अभी हम टोटल जो स्लाइड्स है हमारे पास वो है 57, और अभी हम जो है स्लाइड पे बात करें, अगर हम वहां पे हैं हमारे पास वो है हम यहाँ पे 36 पे, मतलब कि अभी हमारे पास 21 स्लाइड्स ओवर है करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा फास्ट जाऊंगा बट मेन मेन चीज आपको बता के जाऊंगा। ब्रेन को मैंने आपको बताया था, जब ब्रेन के फंक्शन वीक हो जाते हैं तो हमारे हाथ पांव काम करने बंद कर देते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, डायमेंशिया हो जाता है, याद बिल्कुल नहीं रहता, मेमोरी लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि एकाग्रता नहीं लगती, नींद अच्छे से नहीं आती है, माइग्रेन, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें हमें ज्यादा देखने को यहाँ पे मिलती हैं। तो वहीं पे हमारा ब्रेन डॉग प्रोवाइकोट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। क्यों और कैसे? लहसुन है, प्लस लहसुन क्या करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन में ज्यादा जाएगा तो जाहिर सा न्यूट्रिशन अच्छे से पहुंचेगा। अश्वगंधा स्ट्रेस दूर करता है, हनी है, शंखपुष्प भी है, ये भी हमारे ब्रेन फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये सब चीजें इसके हमने ब्रेन डॉग में डाली हुई है। 20 से 25 ml ब्रेन डॉग को हमने दिन में 2 बार देना है, 20 से 25 ml दिन में 2 बार यहाँ पे हम देंगे। कॉम्बिनेशन लिखेंगे माइग्रेन का, माइग्रेन का कॉम्बिनेशन हम क्या देंगे, खाली पेट गैस डॉग, खाली पेट गैस डॉग देंगे माइग्रेन के कॉम्बिनेशन में। उसके बाद लीवर डॉग, ब्रेन डॉग, त्रिफला, स्पाइडर डॉग, ये हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। रिपीट कर दे रहा हूँ, गैस डॉग, लीवर डॉग, गैस डॉग खाली पेट, बाकी सारे खाना खाने के बाद, गैस डॉग, लीवर डॉग, ब्रेन डॉग, त्रिफला और स्पाइडर डॉग, हमारा ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा। अभी बात करते हैं अगला जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ब्रह्मी। ब्रह्मी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, शिलाजीत मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एलर्जी डॉग की बात करते हैं, एलर्जी डॉग देखिए क्या क्या काम करता है। एलर्जी जरूरी नहीं होता कि हमें एक टाइप की हो, बहुत चीजों की एलर्जी एक साथ हो सकती है, मिट्टी की एलर्जी एक साथ हो सकती है, मतलब कि एक मिट्टी से एलर्जी है, आपको अंगूर से भी एलर्जी है, प्लस आपको साथ साथ स्किन टच होने पे सर्फ की भी एलर्जी है, साबुन की एलर्जी है, तो एक साथ 4-5 एलर्जी काम कर जाती है, हो जाती है हमें। तो उस समस्या में पता है हमने क्या करना है, हमने सामने वाले का टेस्ट करवाना है, एलर्जी टेस्ट। थोड़ा महंगा होता है बट एलर्जी टेस्ट करवाएंगे तो उस पे क्या फायदा आएगा, उस पे फायदा हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर मान के चलिए आपके पास, मैं फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे नाम लेते हैं दिलीप कुमार जी हैं, दिलीप कुमार जी हैं, दिलीप कुमार जी गए हमारे बिपिन शाह जी के पास। बिपिन शाह जी ने पूछा सर आपको किस तरह की एलर्जी है, दिलीप जी ने बोला कि सर मुझे मिट्टी की एलर्जी है। सर ने कॉम्बिनेशन दे दिया, जो कॉम्बिनेशन बताया सर ने वही दे दिया। दिलीप जी ने बहुत अच्छे से परहेज करा, सब चीजें करी पर तो भी रिजल्ट नहीं आया। 3 महीने हो गए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए पर तो भी नहीं। प्रिया वर्मा जी आपका जो भी डाउट होगा मैं आपको अभी 10 मिनट की बात है उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड करने वाले हैं तो उसे हम डिस्कस करेंगे। अब दिलीप जी ने परहेज करा, सब चीजों पर रिजल्ट नहीं आया, कारण क्या, यहाँ पे क्या चीज हो सकती है कि हमने बिपिन जी ने क्या नहीं करा, उनका एलर्जी टेस्ट नहीं करवाया। अब गलत दिलीप जी भी नहीं है और गलत बिपिन जी भी नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है, अगर बिपिन जी पहली चीज का अवेयर हो जाते कि शायद दिलीप जी को केवल मिट्टी की नहीं और भी चीजों की एलर्जी हो सकती है, तो अगर वो रिपोर्ट करवाते तो वहां पे 5 जिन जिन चीजों की एलर्जी होती और रिपोर्ट में लिखा था कि हाँ इन इन चीजों की एलर्जी है, उस हिसाब से दिलीप जी परहेज रखते। अब दिलीप जी को मिट्टी के साथ साथ साबुन, जो नहाने वाले साबुन है उससे भी एलर्जी है, पर नहाते तो रोज है, साबुन रोज लगते हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आएगी आएगी। जैसे ही दिलीप जी ने मिट्टी से दूर और साबुन से दूर हो गए तो दिलीप जी ठीक हो गए और रिजल्ट और बेहतरीन आ गया।
ये चीज होती है कि बहुत बार हमने हमें पता नहीं होता और हम इस चीज की लापरवाही कर जाते हैं सामने वाले को पूछने से। तो चाहे वो पेशेंट हो चाहे आप हो, कभी भी इस चीज के हिचकिचाइए मत, खुल के बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी बहुत बार लोग झूठ बोल देते हैं बीपी की समस्या के लिए, चेक कर लीजिए, 2 मिनट की मशीन डाल के बैग में रखिए, बीपी चेक कर लीजिए, शुगर की मशीन आती है, ऑक्सीमीटर आता है, बैग में रखिए ना अपने, गाड़ी है तो गाड़ी में रखिए, बैग है बैग पे जाते तो बैग में रखिए, कितना सामान आएगा, थोड़ी इतना से किट बनेगी आपकी, ज्यादा कोई खर्चे भी नहीं है, 2-3 हजार खर्च, 2 हजार खर्चा मैक्स टू मैक्स, एक टाइम का लाइफ टाइम काम आएगा आपके वो। ओके दोस्तों, कॉम्बिनेशन क्या लिखा है एलर्जी का? सर नॉर्मल, आप किसी भी एलर्जी किसी भी लैब में जाएंगे, लाल पैथ हो गया, किसी भी चीज, किसी भी कम अच्छी लैब, अच्छी वाली लैब में, लोकल लैब में, अच्छे लैब में जाएंगे, उनको बोलेंगे सर हमें एलर्जी टेस्ट करवाना है, तो वो थोड़ा महंगा होता है, 4-5 हजार का होता है, तो वहां पे आपको एलर्जी, फुल बॉडी एलर्जी टेस्ट बोल दीजिए, वो समझ जाएंगे, तो पूरी बॉडी का एलर्जी टेस्ट हो जाएगा खून देने। अब कॉम्बिनेशन क्या देखेंगे नॉर्मल एलर्जी का? इम्यूनोडॉक, एलर्जी डॉक और हमारा क्लोरोडॉक, इम्यूनोडॉक, एलर्जी डॉक, क्लोरोडॉक, इम्यूनोडॉक, एलर्जी डॉक और क्लोरोडॉक। स्किन की प्रॉब्लम है तो शॉर्ट हड्डी, बैरिडॉक, सीबकडॉक तीनों में से एक चीज दे दीजिएगा, एलोवेरा जाएगा, नीम कैप्सूल जाएगा, नीम साबुन जाएगी, ओमेगा डॉक जाएगा, पंच तुलसी जाएगा हमारा। ओके दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट आने वाला है वो आने वाला हमारा रक्त डॉक, किसी भी तरह की खून के अंदर इम्प्योरिटी है उसको खत्म करता है, स्किन की कोई भी एलर्जी है उसमें हेल्प करता है हमारा, पिंपल्स हो गए, झुर्रियां होगी, कीले होंगी, सब सोराइसिस की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हमारी स्किन पे, उसके अंदर हमारा रक्त डॉक बहुत बेहतरीन काम करेगा, प्लस ब्लड प्योरीफाई तो करेगा ही करेगा साथ में। कितना लेना है? 2 से 4 चम्मच हम लेंगे, 10 से 20 ml हमने दिन में 2 या 3 बार इसको आप ले सकते हैं, खाना खाने के बाद यहाँ पे आप आराम से इसको ले सकते हैं रक्त डॉक को। प्लस हीमोडॉक, हीमोडॉक क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बना के रखता है, जब खून की कमी होती है, नींद ना आना, थकान ज्यादा होना, हमें नींद आने के साथ भूख ना लगना, मिनरल्स विटामिन की कमी होना, या फिजिकली मेंटली हमें वीक हो जाना, ये सब चीजें हमारी बॉडी में प्रॉब्लम करता है खून ना, खून की कमी होने की वजह से। तो वहीं पे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमने क्या देना है, हीमोडॉक लेना है। 5 से 10 साल के बच्चे हैं तो 5 से 10 ml तक, बड़े हैं तो 10 से 15 ml इस हीमोडॉक नहीं लेंगे। उसके बाद करते हैं हमारा आई डॉक, आंखों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो आप इसको यूज कर सकते हो रात को, और सुबह आप इसको दिन में 2-2 बार डाल सकते हो। एंडोक आ गया, किसी भी तरह कोई नशा है, किसी की लत लगी हो तो आप इसको डायरेक्ट 1 से 2 ml डायरेक्ट जीप पे डालेंगे। हर्बल टी आ गया, हैंड वॉश सैनिटाइजर सबको पता है, बीटोनोइट, बीटोनोइट में बहुत बार बता दूं, बहुत लोग इसको गलत फहमी में यूज करते हैं, जेंट्स भी, बी का मतलब ब्रेस्ट है, बीटोनोइट मतलब कि ब्रेस्ट को टोन करने के लिए, तो ये लेडीज के लिए प्रोडक्ट है, ब्रेस्ट के साइज पे इम्प्रूव करता है, टोन में लेके आता है, लचीलेपन को खत्म करता है, दिन में 2 बार मसाज करना है, नहाने से पहले और नहाने के बाद और सोने से पहले हमने इसकी मसाज करनी है, और जेंट्स लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं बना हुआ। जैसे वैसे हमारा सिकम्फर रोल होना है, पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है लेडीज को, क्रैम्प आते हैं जो कमर के, वहां पे हमने रोल होना है, वहां पे आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्लस सैनिटरी पैड आ गया हमारे पास, लीकेज को लंबे समय तक होल्ड करके रखता है, किसी भी तरह को इन्फेक्शन होने के चांसेस जीरो है यहाँ पे हमारे पास। वजाइनल वॉश आ गया, किसी भी तरह की इचिंगनेस होगी, रेडनेस होगी, खारिश होगी, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। बात करें हर्बल मेहंदी आ गई, नीम पाउडर डाला, आमला पाउडर डाला, शिकाकाई डाला इसके अंदर, और बहुत सी चीजें डालेगी, नेचुरल कलर आएगा, बहुत लोगों को लगता है काला कलर ऐसा नहीं होगा, नेचुरल कलर जो मेहंदी का आता है भाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, बालों को सिल्की बनाता है, दो मोए नहीं होने देता, डैंड्रफ कंट्रोल करता है, प्लस कंडीशनर का काम करता है, हमारे पास सब चीजों में काम करने वाला हमारा ये हर्बल मेहंदी पाउडर है। लास्ट में हमारे पास आएंगे 4-6 प्रोडक्ट आएंगे, ज्यादा नहीं बचे हैं। वैदिक एग्रो भूविटा सोइल कंडीशन क्या करता है, भूविटा हमारी मिट्टी के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, मिट्टी में नमी बनाता है, सोइल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, सभी तरह की फसलों के लिए उपयोगी है। 1 एकड़ जमीन के अंदर हम इसको 4 किलो यूज करेंगे, 1 एकड़ जमीन है उसके अंदर हमने भूविटा 4 किलो डालना है। इको हरियाली क्या करता है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है,
पौधों की जो बीज के अंकुरित होने की प्रोसेस है उसको फास्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, साथ 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 के साथ बात करें फसलों के लिए यूजफुल है, और बात करें तो सभी तरह की फसलों के लिए उपयोगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमें नहीं होने वाली। मिट्टी में डाल रहे हैं तो एक एकड़ में 500 ग्राम, मतलब एक एकड़ हमने जमीन ली है उसके अंदर आधा किलो हमने इकोरेल डाला है, और अगर पानी स्प्रे करना चाहते हैं तो 2.5 ग्राम इकोरेल, 1 लीटर पानी लिया, अच्छे से मिक्स करो, हमने स्प्रे कर दिया। पीजीपीआर प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, सभी तरह की फसलों के लिए उपयोगी, जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्लस अगर बात करें एंटीबायोटिक्स है इसके अंदर, इसके अंदर बात करें ये भी हमारे पास एंजाइम्स है, ये सब चीजें हमारी मिट्टी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना हम डालेंगे इसको हम बात करें, 250 ml हमने पीजीपीआर लेना है, 200 लीटर हमने पानी लेना, 250 ml हमने, 250 ml हमने पीजीपीआर और 200 लीटर पानी हमने यहाँ पे लेना है। आगे बढ़ते हैं, वेंगेग्रो 90, हमने ये सब चीजें डाली, बोवीटा डाला, इकोहरियल डाली और बहुत सी चीजें डाली, उनको अच्छे से मिक्सअप होने मदद कौन करता है हमारा ज्यादा, हमारा वेदिकाग्रो 90 सिलिकॉन की मात्रा बना के रखता है, फैलाने में मदद करता है हार्वेस्ट को, अच्छे से चीजों को ग्रो करने में मदद करता है, जड़ों में वृद्धि करता है हमारे पास, साथ के साथ जो इक्विपमेंट होता है नोजल होते हैं उसको ब्लॉकेज नहीं करने देता हमारा वेदिकाग्रो 90। कितना डालना है, 0.5 ml, 0.5 ml हमने वेदिकाग्रो 90 लिया, 1 लीटर पानी अच्छे से हमने स्प्रे करा। अगर और बात करें मिट्टी में छोड़ना है तो 0.25 ml हमने वेदिकाग्रो 90 लिया और मिट्टी में हमने 1 लीटर पानी में डाल के हमने जैसे इसको मिट्टी में छोड़ दिया, 1.25 ml हमने वेदिकाग्रो 90 1 लीटर पानी में डाल के हमने इसको अच्छे से छोड़ दिया मिट्टी में। आगे बात करते हैं, इसके बाद हमारा फैट बूस्टर पाउडर, फैट बूस्टर पाउडर क्या काम करता है, फैट बूस्टर पाउडर हमारे जानवरों को हेल्थ बना के रखता है। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा फैट हमारे जानवरों में होगा उतनी उनकी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी। दूध के अंदर अंदर ज्यादा फैट जाएगा तो वो गुड फैट होता है, जो दूध के अंदर होता है वो अच्छे फैट होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस बोन, इसके साथ इनकी बात करें इनके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, ये सब चीजें हमारा फैट बूस्टर पाउडर। कैसल सस्पेंशन, कैसल सस्पेंशन आप किसी को भी दे सकते हैं, मतलब जानवर में जिसके अंदर हड्डी हो। बहुत लोग क्या करते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, कभी आपने देखा सांप के अंदर हड्डी होती, कभी नहीं होती, जिसके अंदर हड्डी नहीं है उनको दूध नहीं पिलाना चाहिए, तो क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है। अब ये बातचीत मैंने क्यों, दूध के अंदर कैल्शियम होता है, दूध कैल्शियम से ही बनता है, और दूध बनता है किसी में, गाय भैंस में, बकरी में, ऊंटनी में, और इन जहां पे फीमेल्स होती है। मोस्टली ये चार चीजें हमारे इंडिया में यूज करे जाते हैं, राजस्थान में जाओ तो ऊंटनी के दूध से चाय बन जाती है, बकरी का दूध हम तब पीते हैं जब हमें डेंगू होता है, प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए गाय भैंस का दूध हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं। जब गाय और भैंस हमारी ये सब चीजें जानवर अच्छे नहीं होंगे, कैल्शियम की कमी रहेगी तो उनकी हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियां कमजोर होंगी वो हेल्दी नहीं रहेंगी, कैल्शियम कम होगा दूध अच्छा नहीं बनेगा, दूध अच्छी क्वांटिटी में नहीं बनेगा, बिजनेस इफेक्ट आएगा। कैल्शियम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है और दूध के अंदर कैल्शियम भी कम जाएगा, दूध के अंदर कैल्शियम कम जाएगा, दूध वो हम पियेंगे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं बनेगा तो हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इसी चीजों खत्म करने के लिए कैल्शियम सस्पेंशन बनाएगा जानवरों के लिए। कितना लेना है, बड़े जानवर है तो 100 ml, छोटे जानवर है तो हमने वहां पे 50 ml तक हम इसको दे सकते, सॉरी 30 ml तक दे सकते हैं, उससे छोटे तो 3 ml, जैसे मुर्गी वगैरह तो हम उनको 3 ml तक वहां पे हम कैल्शियम सस्पेंशन दे सकते हैं। ओके दोस्तों, ये हमारा जो प्रोडक्ट सेशन था वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम करेंगे हमारे, अगर मैं अब बात करूं, अब हम यहाँ पे हम करेंगे हमारे पास क्वेश्चन आंसर राउंड। तो 1 सेकंड अभी हैंड रेस मत कीजिएगा, 1 मिनट अभी हाथ को ही नहीं खड़ा करें, जब मैं बोलूं तब हाथ खड़ा करेंगे। या अगर किसी किसी को कोई भी डाउट है तो ऐसे वाला हाथ नहीं खड़ा करना, बहुत लोग ऐसे हाथ खड़ा करते हैं, प्लीज ऐसा हैंड रेज मत कीजिएगा, मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि तो बहुत लोगों की छोटी छोटी स्क्रीन है तो इतना ध्यान से मैं नहीं देख पाऊंगा। किसी को भी डाउट है प्लीज अपने डिजिटल हैंड रेज कीजिए जो स्क्रीन पे आपके सामने बने हुए हैं, तो वो आप हाथ खड़ा करोगे तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। प्लस एक चीज बोल दो, जो जो अनम्यूट हो गए अपना कैमरा ऑन करके बात करेंगे, प्लीज कैमरा ऑन करके यहाँ पे बात करेंगे।
चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, प्लीज अपना हाथ यहाँ पे खड़ा करेंगे और कैमरा उधर रखेंगे। चलिए, जो सबसे पहले हमारे पास है उनका नाम है प्रिया वर्मा जी, आप अपने आप अनम्यूट कर सकती हैं। और जल्दी से अनम्यूट करेंगे, टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। पूछिए, जो पूछना है आपको। कुछ मेडिसिन का पूछना था, मेडिसिन का वही पूछना था कि कौन सी बीमारी में कौन सी वो दवा काम करेगी, प्रोडक्ट काम करेगा, वही पूछना था। तो बताइए। चलिए, मैम का कोई है नहीं यहाँ पे। संदीप कुमार जी। जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। संदीप कुमार जी, संदीप कुमार जी, संजीव जी नहीं, संदीप कुमार जी। नमस्ते बोलिए। हाँ जी संदीप जी बोलिए। उसको प्रोडक्ट चला गया, हाँ 2 से 3 महीना चला गया था प्रोडक्ट, गाइनोडॉक, थंडर ब्लास्ट और बीटा डॉग, रिजल्ट आया नहीं है। गाइनोडॉग, थंडर ब्लास्ट और बीटा डॉग जी, आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाया बच्ची का या नहीं करवाया? कुछ भी टेस्ट वगैरह करवाए थे सर जी, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है जी। लेकिन उसको अभी तक आ जाए, 15 साल में आ जाते हैं बच्ची, उनमें क्या चाहे 15-16 साल में। ओके ठीक है सर। तो वहां पे देखिए, जो कॉम्बिनेशन मैंने आज लिखवाया था ना सर जी, याद नहीं, जरा अगर बता देंगे स्पेशल तो कुछ अच्छा रहेगा। नहीं नहीं सर, याद करने के लिए मैंने आपको बोला नहीं था, मैंने बोला था लिख लीजिएगा, आपने लिखा था नहीं सर। तो फिर सर इसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, मैंने 4 बार चीज बोली थी, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आप नहीं लेके बैठे और मैं रिपीट भी यहाँ पे नहीं करूंगा। ओके ओके, ये रूल सभी के लिए रहते हैं सर, उसके लिए मैं ओके। संजीव को, संजीव प्रजापति जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जैसे कोई पेशेंट है, उसको शुगर भी है, थायराइड भी है, प्लस ब्लड प्रेशर भी है, हाई होता है, तो सर देखिए सारा कॉम्बिनेशन करवा, मैंने हाई बीपी लिखवाया, थायराइड लिखवाया, शुगर लिखवाया, तीनों सभी के तीनों प्रोडक्ट दीजिए। जो तीनों देते तो बोलते हैं बहुत महंगा हो गया है सर, उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको बोले कि अंग्रेजी भाई खाएंगे तो आज नहीं तो 10-5-4 साल बाद आप ऑपरेट करवाएंगे, कितनी बार आगा तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो सर देखिए, वो उसके अंदर देखिए, जो लोग बोलते हैं महंगे, उनको बोले कि सर देखिए एक एक लगातार आप 10 लाख एक साल एक एक साल 10 लाख लगाओगे या वही 1 लाख एक साल में लगा दोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मान सिंह जी। मान सिंह, हेलो। यस सर। जी सर नमस्ते सर। सर एक पेशेंट है जिनको मेरी की शिकायत है। ओके सर। और उनको सर क्लास है और सर उसे बनेगा।